तो हेलो फ्रेंड्स, यार बावे ने लॉन्च कर दिया अपना होनर 10 लाइट और मैं आपसे बात करने वाला हूँ इसी होनर 10 लाइट के बारे में। आप बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को देखेगा पूरा, कीजिएगा लाइक शेयर और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो यार कर लो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, दबा दो लाल वाला नीचे का बटन और उसके बाद उस पे जो बाद में घंटा आएगा उसे भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं ऐसी ही वीडियो बनाऊं आपको मिलता रहा उसका नोटिफिकेशन। और मैं आपको बता दूं कि मैं अपने चैनल पर टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करता हूं, साथ में ब्लॉग बनाता हूं और उसी के साथ में मैं आपको नए नए फोन्स की स्पेसिफिकेशन भी बताता हूं जैसा कि इस वीडियो में कर रहा हूं। तो यार चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को देखना पूरा और मैं आपसे बात करता हूं इसी होनर 10 लाइट के बारे में। बात करें सबसे पहले फोन की डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले आपको इसमें मिलता है 6.2 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले जिसका रेजोल्यूशन है 1080x2340। और इसी के साथ बात करें फोन की प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर आपको इसमें मिलता है क्रीन 710 जो बावे का अपना खुद का प्रोसेसर है और ये वेस्ट है ऑक्टाकोर पर। और उसी के साथ इसकी जो क्लॉक स्पीड है वो है 2.2 गीगाहर्ट्ज की। और साथ ही बात कर लूं मैं आपसे फोन के कैमरों के बारे में, तो यार फ्रंट पर आपको कैमरा मिलता है 24 मेगापिक्सल का f2.0 के अपर्चर और वहीं रियर पर आपको मिलता है डुअल रियर कैमरा का सेटअप जिसमें प्राइमरी कैमरा है 13 मेगापिक्सल का f1.8 के अपर्चर, वहीं सेकेंडरी कैमरा है 2 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल वाला जो सीन है यार बिल्कुल ठीक से काम नहीं करता, बकवास होता है एकदम। और बात करें फोन के OS की, मतलब एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसमें आपको मिलता है 9.0 पाई जो रन करता है बावे की EMUI 9.0.1 पर। और इसी के साथ बात करें फोन की बैटरी की, तो इसमें मिलती है आपको 3400 मिली एम्पीयर की एक बैटरी, उसके अलावा बैटरी के बारे में कोई भी डिटेल नहीं है। और इसी के साथ बात करें फोन की कनेक्टिविटी की, तो इसमें आपको डुअल सिम डुअल 4G वॉल्टी का सपोर्ट मिल जाता है, साथ में वाईफाई ब्लूटूथ GPS AGPS जैसे फीचर आपको मिल जाते हैं। इसी के साथ 3.5mm का ऑडियो जैक भी आपको इसमें मिल जाता है। और बात करें फोन के सेंसर्स की, तो सारे बेसिक सेंसर आपको फोन में मिल जाते हैं, उसी के साथ फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको मिल जाता है इसके बैक पैनल पर। और इसी के साथ बात करें फोन की स्टोरेज की, तो इसमें आपको मिलते हैं 2 रैम वेरिएंट, उसी के साथ मिलते हैं 3 स्टोरेज वेरिएंट जिसमें पहला है 4GB 64GB, दूसरा है 6GB 64GB और तीसरा है 6GB 128GB। तीनों में ही आप इसकी स्टोरेज को एक्सपेंड कर सकते हैं 512GB तक एक SD कार्ड लगा के। और अब फाइनली बात कर ले फोन की प्राइस की, तो आपको 4GB 64GB के लिए जो प्राइस देनी होगी वो है 1399 चीनी युआन, मतलब 14400 रुपए आपको देने पड़ेंगे इंडियन रुपीस। और इसी के साथ बात करें सेकंड वेरिएंट की प्राइस की, तो वो है 6GB 64GB जिसकी प्राइस है 1699 चीनी युआन, मतलब इंडियन रुपीज में इसकी प्राइस पड़ जाती है 17500 रुपए। और बात करें इसके लास्ट वेरिएंट मतलब 6GB 128GB की, तो वो पड़ता है आपको करीबन 1899 चीनी युआन, मतलब 19500 रुपए का आपको पड़ जाता है इंडियन रुपीज में। तो ये तो यार हो गई फोन की बेसिक स्पेसिफिकेशन एंड प्राइस के बारे में। और मैं बात करूं आपसे अपने ओपिनियन के बारे में, तो मुझे फोन में यार कोई कमी नजर नहीं आई, पर फोन में दो चीजें मेरे समझ में नहीं आती है। एक तो ये 2 मेगापिक्सल वाला कैमरा बड़ा गंदा सीन है, उसके अलावा फोन की कौन सी डिस्प्ले है यार, डिस्प्ले के बारे में समझ में नहीं आता, LCD है OLED है या कौन सी डिस्प्ले। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो, वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, प्लीज कीजिएगा वीडियो को लाइक शेयर अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, और नहीं पसंद आई तो प्लीज डिसलाइक करके मुझे नीचे कमेंट में बता दो यार कि क्या खराब लगा आपको मेरी वीडियो में, ताकि मैं उसमें कुछ सुधार कर सकूं, एक बढ़िया वीडियो एक बढ़िया कंटेंट बना सकूं। और फिर भी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करो शेयर करो और कर लो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे ही फोनों की स्पेसिफिकेशन डिटेल्स एंड टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी आपके लिए लाता रहता हूं। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।